हेलो एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं मेथी का अचार बनाऊंगी। इसके लिए हम मेथी दाना को एक कटोरी मेथी दाना और आम लेंगे। आम को हम अच्छे से धो के पोंछ के कटिंग करके रख देंगे। और ये हम बेसिक मसाले लेंगे, जैसे थोड़े से सौंफ 4 चम्मच और कलौंजी और हींग। और ये हमने अच्छे से इसे काट के रख दिया है छोटे छोटे पीस में। अब हम गरम पानी उबालने के लिए रखेंगे। जब अच्छे से गरम पानी उबल जाए तो हम इसमें मेथी को भिंगो देंगे और 10 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे। उसके बाद इसे छान लेंगे अच्छे से। ये मेथी हमारा रेडी हो गया है फूल के। अब हम कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखेंगे। हमने 250 ग्राम तेल लिया है। ये एक कटोरी आम था तो हमने एक कटोरी मेथी दाना लिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हींग डालेंगे क्योंकि ये हींग बहुत अच्छी होती है पेट के लिए। अब इसमें हम सौंफ और काला जीरा डालेंगे और इसमें हम सारे पीस को कटिंग किए हुए को डाल देंगे और हम इसे अच्छे से चलाएंगे। जब तक कि आम अच्छे से पक ना जाए तब तक हम इसे भूंजेंगे स्लो फ्लेम में। फ्लेम को कम ही करना है, कम करके इसे अच्छे से हम भूंजेंगे। फिर हम इसमें मसाले डालेंगे, थोड़े से पीसी हुई राई 1 चम्मच डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक, जैसे 4-5 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे 1 किलो आम में, और हल्दी डालेंगे हम 2 चम्मच। और अब हम इसे अच्छे से खदकने देंगे। जब हमारे आम का अचार अच्छे से गल जाएगा जब आम, अब हम इसमें मेथी को डाल देंगे। ये 1 कटोरी मेथी है, यह पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है यह अचार। और आप जितना ये पुराना होगा उतना ही फ़ायदा करेगा। अब हम इसमें तीखी वाली लाल मिर्च मिलाएंगे 2-3 चम्मच। अब हमारे अचार बनके रेडी है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और यह खाने में काफ़ी यमी था। मैंने इसे रोटी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे चावल के साथ भी खा सकते, लेकिन ये रोटी के साथ काफ़ी यमी लगती है। एक बार ज़रूर बना के इसे ट्राई करें और इसे डब्बे में ढक के रख दें।